तोड़ के दिखाता हूँ, और ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 और आगे से भी दिखाता हूँ आपको, ये रास्ता है और इसी रास्ते के थ्रू हम चलते हुए जा रहे हैं। और लेकर आए थोड़ी सी पकौड़ी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, सोर्या उधर आप देख सकते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब भैया सुबह और अभी जो है हम खाट पे लेटे पड़े हैं, तो आप देख सकते हो हमारी दरी भी अभी बिछ रही है और हमने ओढ़ रखी थी चादर। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और आज का जो है मतलब ब्लॉग सुबह से स्टार्ट करते हैं। और अब जो है दोस्तों यहाँ से उठ लेते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, नहा धो लेते हैं, और पूरे दिन में हम क्या करेंगे वो हम आपको सभी कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है बहुत ही यूनिक और ख़ास होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिना देरी करते हुए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। और अभी जो है काफ़ी लोग सोए पड़े हैं, तो दिखाता हूँ उनको और जगाता हूँ, तो आप बने रहें ब्लॉग में। तो दोस्तों टाइम हो गया 7 बजे का, और ये हमारी भतीजी है, अभी सोई पड़ी है और ये उठ गया। मगर चांदनी, अरे तू तो उठी पड़ी है, स्कूल नहीं जाएगी बेटा, स्कूल नहीं जाने के? गुड मॉर्निंग, कहो गुड मॉर्निंग, लली बोलते गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, हाय। ठीक है, ये तो उठ गई है, ये भी उठ गया, अब ये दोनों तैयार होंगे, जाएंगे स्कूल। अभी एक आदमी हो रहे हैं जो सोए पड़े हैं अभी ये देखिए, ये अभी तक सोए पड़े हैं उठना रहे भाई उठो तो ये पंखा चल गया, आराम से जो है ना इसकी हवा में सो रहे हैं ये। एक व्यक्ति जो है कमरे के अंदर हैं, चलो भाई इन्हें भी उठा देते हैं, बता देते हैं 7 बज गए हैं, इन्हें बोल देते हैं गुड मॉर्निंग। अरे ये तो उठे पड़े हैं, पहले ही लगे पड़े हैं फ़ोन पे, बहुत बढ़िया। तो हाय बोल रहे हैं भैया ये, तो दोस्तों दिखाएंगे आज हम पूरे दिन में क्या करेंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग बहुत ही मस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये बंदर लोग भी जाग गए हैं, यहाँ पर देखो ये कैसे बैठा है, उधर बैठे हैं दो, और एक बच्चा बैठा था यहाँ पे वो चले गया, और कई सारे बैठे थे ना फ़ोन देख कर भाग गए ये। तो ये बच्चा गया था पढ़ने, और ये भैया ब्रेक लंच हो गया, अब आ गया घर। तो अब जाओगे स्कूल, स्कूल जाओगे अब? जाऊंगा। जाएगा, अच्छा बहुत बढ़िया है ना, स्कूल जाकर रोज। तो भैया जो सुबह जो है रोए रहा का ऐसे ही गया, बस यू खाना खा लिया, खाना खा लिया, खा लिया, ठीक है। और इसकी तबीयत ख़राब है, ये स्कूल ना गई। तू गई रही आज? गई थी, वाह। रोटी खा ली, खाना खा लिया, अभी ना खाया, जीप जीप क्यों निकाल ली बाहर को, जीप अंदर करो बेटा। और एक लड़की है ये भी जो है पढ़ना गई थी तो ये खाना खा रही है, क्या खा रहे हो खाने में? कतली, आलू कतली है, बढ़िया। ये है बच्चा पार्टी, और भैया ये स्कूल से आए अभी, तो अभी इन्होंने खाना खा लिया, ये लड़की बार बार जीप निकाल ली है, तेरी जीप काट लूँगा तो इन्होंने खाना खा लिया है, क्योंकि गांव में स्कूल है, और जब ब्रेक लंच होता है तो ये घर आ जाते हैं बच्चा खाना खाने के लिए। तो खाना खा लिया, अब जो है ये स्कूल जाएंगे, अभी ड्रेस नहीं बनी है इनकी, ड्रेस बनवाएंगे इनकी, क्योंकि एडमिशन अभी हुआ है इनका, छोटे छोटे बच्चे थे ये। तो ये है रिया, ये है चांदनी, और पीछे तेरा नाम क्या है लल्ला? इसका नाम है खुशमीत। एक आदमी वो हैं जो मैंने आपको बताया था सुबह सोए पड़े थे, और अभी तक सोए पड़े हैं, और आप देख सकते हो कितनी धूप निकल रही है बाहर। तो चलते हैं, ये देखिए क्या हालत है भैया, ये सोए पड़े, वो भी उल्टे होकर के, ये बताना कौन सी पोजीशन ले रखी है इन्होंने। ए हेलो, नींद आ रही है? उठ जाओ भैया। अब यहाँ पर सिक रही है रोटी, आप देख सकते हो ये आटा रखा है, ये चकला है, एक तवे पर रखी है, एक भगोने की प्लेट पर रखी है। तो भैया रोटी सिक रही है, बच्चे जो है ताज़ी ताज़ी रोटी खा रहे हैं गरम गरम। तो आप देख सकते हो भैया, आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए, हमारी भाभी बना रही हैं। तो ये आटा है, आटा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना फुलवाड़ी खड़ी हुई है, एक छोटा सा गार्डन है, तो इस गार्डन में मतलब रंग बिरंगे फूल लग रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक फूल तोड़ के दिखाता हूँ, और ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 5 पंखुड़ी हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा लग रहा, खुशबू भी अच्छी है। और हाँ दोस्तों, इस फुलवाड़ी का नाम तो खैर मुझे नहीं पता, और इसके अंदर कलर हैं रेड वाइट, और मतलब कई सारे कलर हैं, कुछ हल्का फीका कलर है, और आप देख सकते हो पीछे वाइट कलर के हैं, और पीछे अमरूद का पेड़ है, तो बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे। तो ये दीवार की साइड साइड से मतलब खड़े हुए हैं, और आप भी कमेंट करके बताना कि आप यहाँ पे किसके यहाँ पे ऐसी फुलवाड़ी है।
तो दोस्तों मौसम जो है थोड़ा मतलब वैसा हो रहा है बारिश वाला, और इस समय बारिश कुछ ज़्यादा हो रही है। तो हर एक दिन छोड़ के बारिश होती है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे थोड़ा गदला गदला सा मतलब आपको मौसम दिख रहा होगा, और पेड़ भी जो है हरे भरे हैं, तो आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, वैसे गर्मी नहीं लग रही है। मैंने फिर भी शर्ट निकाल रखी है दोस्तों। तो ठीक है, और मतलब पूरे दिन में क्या होता है हम आपको सभी कुछ दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, अब जाने लगे हम बाज़ार, और हम बाज़ार जा रहे हैं। तो भाई चला रहे हैं बाइक और मैं बैठा हूँ पीछे। तो दोस्तों बाज़ार से जो है कुछ सब्ज़ी वगैरह खरीद के लेकर आएंगे, और हम जा रहे हैं इस रास्ते के थ्रू। तो आप देख सकते हो पीछे रास्ता है, और आगे से भी दिखाता हूँ आपको ये रास्ता है, और इसी रास्ते के थ्रू हम चलते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे यहाँ के खेतों के नज़ारे देख सकते हो, रास्ते देख सकते हो, और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और हम पहुँच चुके हैं बाज़ार, बाज़ार से वगैरह सब्ज़ी वगैरह खरीद के लेकर आएंगे। तो हम वहाँ पर पहुँच लेते हैं और मिलते हैं आपको बाज़ार में जाकर। और आपको जो है थोड़ा सा मैं मतलब अपने यहाँ के खेत रास्ते वगैरह का व्यू दिखाता हूँ, और आप आनंद उठाएँ सफ़र का। तो ठीक है फिर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे यहाँ का रास्ता है, और गीला पड़ा है क्योंकि बारिश हुई थी आज। तो आप देख सकते हो आगे से बाइक आ रही है, तो ये सभी लोग जो है बाज़ार करके आ रहे हैं। और ये हमारे यहाँ के खेत हैं, खलिहान हैं, तो आप देख सकते हो सब हरियाली चमक रहे हैं आपको। तो दोस्तों हम जो है बाज़ार से आ गए हैं। तो भैया बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, और बारिश हुई थी, तो बारिश का पानी इतना भरा हुआ था कि दोस्तों आप कुछ पूछ नहीं सकते। तो दोस्तों हम जो है कुछ सामान खरीद के लेकर आए, तो अब हम आपको दिखा दें। तो ये दालें लेकर आए हैं, पीले रंग की और लाल रंग की दाल है, तो मूंग मसूर की दाल बोलते हैं, इसे लेकर आए हैं। और लेकर आए थोड़ी सी पकौड़ी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, सोरिया उधर आप देख सकते हो, तो ये बच्चे पकौड़ी मांगते हैं, तो पकौड़ी लेकर आए इनके लिए। और लेकर आए हम तुरइये, तो दोस्तों इसमें तुरइये हैं, और 5 किलो लेकर आए आलू। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये जो हम आलू लेकर आए, चिप्सों आलू है, तो खाने में अच्छा लगता है, तो इसलिए चिप्सों आलू लेकर आए थे। कुछ आलू होते हैं कि मीठे लगते हैं खाने में, बट ये मीठा नहीं लगता। तो ये जो है कुछ सामान हम खरीद के लेकर आए थे बाज़ार से, तो अपने वही खाने पीने का सामान है और कुछ नहीं दोस्तों। और हाँ दोस्तों आप देख सकते हो भैया यहाँ पर सूख रहे हैं कपड़े, और आप देख सकते हो ऊपर चल रहा है पंखा, क्योंकि बारिश का मौसम है भाई, धूप तो निकल ही नहीं रही, हर घंटे में बारिश जो है चालू हो जाती है। तो आप देख सकते हो पंखे के नीचे जो है कपड़े सुखाए जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हम गए थे बाज़ार, और बाज़ार से जो है अपनी सब्ज़ी वगैरह खरीद के ले आए। तो आप देख सकते हो जो सब्ज़ी लेकर आए थे, जो मेरी भतीजी है, तो तुरइये लेकर आए थे, तुरइये को उसे छीलना स्टार्ट कर दिया, और आज बनाकर खाएंगे हम तुरइये। पीछे घूम रही है मेरी भाभी, आप देख सकते हो हाय बोल रही है सभी को, तो भैया हाय एक्सेप्ट कर लियो इनकी। और हाँ दोस्तों आज का ब्लॉग हम इतना ही रहने देते हैं, और आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों आज के ब्लॉग इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।